नमस्कार किसान साथियों, जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज का सब्जेक्ट रहेगा कि मैं वर्मी वॉश जो है वो अपने को इकट्ठा करके खेत में डालना है, खेत में पानी के साथ डालना है, या फिर अपने मतलब कि मिर्ची के स्प्रे करना है, धनिया के ऊपर स्प्रे करना, किसी भी फसल के ऊपर स्प्रे कर सकते हो। तो इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और इससे क्या क्या मतलब कि पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इसमें क्या है कि जो मतलब कि नाइट्रोजन जो अपन यूरिया देते हैं, तो वो नाइट्रोजन जो इससे भी खतरनाक मतलब नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है, दुनिया का सबसे बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है ये, जो कीटनाशक के रूप में भी काम कर सकता है। और जो नाइट्रोजन में जो ग्रोथ बढ़ाता है, नाइट्रोजन रहता है जो उससे ग्रोथ बढ़ाता है, उसकी क्षमता बहुत अधिक रहती है इसकी। क्योंकि यूरिया क्या है कि कीड़े मकोड़े वो जो अधिक अटैक करता है, हानिकारक होता है, मतलब यूरिया जो केमिकल पेस्टिसाइड आता है वो हानिकारक होता है। क्योंकि किसान साथियों, उसमें क्या है कि जो केमिकल की मिलावट होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है, जो इससे क्या है कि थ्रिप्स आती है, कीड़ा आता है, ज़मीनों में कीड़ा लगना, फसल के ऊपर कीड़ा लगना, तो उससे क्या है कि उन केमिकल से बहुत अटैक होता है। मतलब कि जो भी मतलब कि किसान डालते हैं वो बहुत बेकार चीज़ है। यूरिया में नाइट्रोजन तो पाया जाता है लेकिन उतनी क्षमता नहीं है, उतनी उत्पादन नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो केमिकल रहता है ग्रोथ तो अच्छा करता है लेकिन उससे कोई फसल अच्छी नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने ये मैंने जो लिक्विड तैयार किया है, ये जो मैंने लिक्विड तैयार किया है आप देख सकते हैं, वो मैंने जैविक खाद तैयार कर रखा है उधर, और मैंने इसमें नीम के पत्ते भी डाल रखे हैं जो अच्छे तरीके से इसे कीटनाशक के रूप में काम करेंगे। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है इसको स्प्रे करने पर या पानी में देने पर। और ये जो लिक्विड मैंने उस पर डाल के जो लिक्विड तैयार किया है आप देख सकते हैं, तो इसमें मैंने जो धनिया बोया है उसमें भी मैंने जो पानी चलाया उसके साथ मैंने डाला है किसान साथियों। तो इस तरह से आप इस जो वर्मी वॉश इस तरह को इकट्ठा करिए और किसी भी फसल के ऊपर, धनिया के ऊपर, मिर्ची के ऊपर, टमाटर के ऊपर इसका स्प्रे करिए। हर 4 दिन में 5 दिन में स्प्रे करिए। इसका कीटनाशक के रूप में भी काम करेगा ये, और हल मतलब कि पानी के साथ भी चलाइए तो इसका नाइट्रोजन बहुत मात्रा में पाया जाता है, और भी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिंक, बोरान, आयरन, पोटाश, पोटेशियम, जो भी पोषक तत्व पाए जाते हैं ये सभी की मात्रा परिपूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। तो आप इस चीज़ का उपयोग करिएगा किसान साथियों, क्योंकि यही एक गुणवत्ता वाला मतलब फर्टिलाइज़र है ये जो मैं बता रहा हूँ। किसान साथियों, मैं आपको राय देना चाहता हूँ कि ये बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र, आप एक बार इसको स्प्रे करके देखिए, खेत में डाल के देखिए, बहुत ही मज़ा आ जाएगा और रिजल्ट आएगा इसका। क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला है अपने का, कोई पैसा लगने नहीं वाला है, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और अपनी खेती भी नहीं बिगड़ेगी। तो किसान साथियों, आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है ये, अपने बिना पैसे का है। और मतलब इसका मतलब कि जैसे मैं इस टंकी में इकट्ठा कर रहा हूँ, तो मैं दोबारा आज मैंने पानी के साथ डाला है इस जो भी मैंने बोया है ये धनिया उसमें, तो अभी भी मैं लिक्विड इसमें तैयार कर रहा हूँ अभी इसमें, तो स्टोर कर रहा हूँ। तो इस तरह से स्टोर कर लीजिए और अपने घर पे रखिए, जब भी चाहे तब उठा के स्प्रे कर दीजिए या पानी के साथ दे दीजिए, तो ये सभी तरह की पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो किसान साथियों, आप इस तरह के फर्टिलाइज़र का उपयोग करिए जो बिना खर्चे वाला हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा किसान साथियों, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अगर सब्सक्राइब और लाइक कर दोगे तो मेरा मनोबल और भी बढ़ेगा और अच्छी अच्छी जानकारियाँ देऊँगा जैविक खेती के बारे में और ज़ीरो बजट खेती। जय हिंद, जय भारत।